आजकल हमारे यूपी भाई को बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनको चरित्र प्रमाण पत्र की बहुत आवश्यकता हो रहा है। तो उन भाइयों से कहूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप अपने चरित्र प्रमाण पत्र को अप्लाई कर सकते हो। अपने मोबाइल से आप अपने चरित्र प्रमाण पत्र को अप्लाई कर सकते हो, बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। भाई अभी आप लोग अपने वीडियो को स्किप नहीं करोगे इस वीडियो को, तो आप पूरी तरीके से सीख जाओगे और अपने फ़ोन से आप खुद अपने चरित्र प्रमाण पत्र को अप्लाई कर सकोगे। तो कहना क्या है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर जाने के बाद गाइस आपको एक ऐप लोड करना है, UPCOP, ठीक है। इस ऐप लोड करने के बाद इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये वेरीफाई करने के लिए कहता है, ठीक है। वो वेरीफाई कर लेना है, करने के बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा, उसको सबमिट कर देना है। करने के बाद आपको फिर बैक आके फिर उस ऐप्स में जाना है, ठीक है। तो जैसे ऐप्स में जाओगे गाइस, आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आएंगे, इस टाइप से इंटरफेस आएंगे, ठीक है। तो आपको अपने जो चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, इसके लिए आपको सर्विसेज में जाना है, ठीक है। जब सर्विसेज में जाओगे तो पहले वाले ऑप्शन में लिखा है करेक्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में आपको जाना है। जाने के बाद गाइस आपसे एक सामने इस टाइप के इंटरफेस आएंगे, तो यहाँ पे क्रॉस का जो चिन्ह है इसको वहाँ पे काट देना आपको। काटने के बाद आपके यदि अपना खुद का बनाना है तो गाइस सेल्फ पे ही टिक रहने देना है। यदि अपना नहीं बनाना, किसी दूसरे को बनाना है तो दूसरे वाले ऑप्शन में टिक कर लेना है, ठीक है। तो अपना जो सेल्फ बनाना है तो यहाँ पे अपना बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपना बनाना था, अपना नाम डालोगे नेम पे, मोबाइल नंबर पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, और जीमेल आईडी पे अपना जीमेल आईडी डालोगे, और फादर नेम मांग रहा है तो अपना फादर का नाम डालना है। उसके बाद क्या, एज डालना है अपना, और जेंडर हो मेल हो तो मेल डालना है, यदि आप फीमेल हो तो आपको फीमेल में टिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है प्रेजेंट एड्रेस है, यहाँ पे जहाँ पे फिलहाल रह रहे हो, जिस घर में किराए में रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और पुलिस स्टेशन भी डालना है, ठीक है। उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे, ठीक है, मतलब कब से कब तक आप रह रहे हो, ठीक है। जो भी है, जब तक जितने साल रहे, जितना महीना हो गया, आपको उसका डिटेल डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको नो में क्लिक रखना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एक योर फोटो ने अपना एक फ़ोटो मांग रहा है, वो भी आपको हमें फिल कर देना है। नीचे चेकबॉक्स में क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद गाइज आपको एक रिसीविंग मिलेगा, उसमें आपको रिक्वेस्ट सर्विस नंबर मिलेगा, उसको आपको या तो स्क्रीनशॉट मार लेना है या तो PDF में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको जैसे ये तो अपने काम पूरा कर ले, उसके बाद आपको जैसे डाउनलोड करनी है, जो अपने जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है, कहाँ से करनी है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से देखना गाइस। और गाइस वीडियो यदि अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको बैग जाना है। बैग जाने के बाद गाइस थोड़ा नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे आएगा सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड, इसमें आपको क्लिक करना गाइस। आपने अपना जो करेक्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो गाइस ये जो हम तीसरे नंबर में इसको सेलेक्ट कर लेना है, और किस साल कौन से सन में आपने किया, 2023 से 2023 डाल देना है। और यहाँ पे गाइस वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो आपने आपके पास आया है, ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद गाइस आपको हमें सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको गाइस आपका जो अपना जो सर्टिफिकेट वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। आपने जो अप्लाई किया था वो सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद गाइस